जिला कलेक्ट्रेट के सामने ग्राम मचोरा के किसानों ने डाला गेहूं। टीकमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राम मचोरा निवासी किसानों ने समिति प्रबंधक की धोखाधड़ी एवं मनमानी के चलते किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने गेहूं डालकर प्रदर्शन किया और समिति प्रबंधक के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्राम मचोरा के पीड़ित किसान ने बताया कि हम लोग गेहूं उपार्जन हेतु गेहूं खरीदे केंद्र पर गेहूं डालने गए हुए थे, लेकिन समिति प्रबंधक ने मनमानी के चलते हम लोगों का गेहूं नहीं लिया गया और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम फर्जी तरीके से पंजीयन करा दिया। हम लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके संबंध में पूर्व में समिति प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने गेहूं डालकर प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। टीकमगढ़ क्षेत्र से SRV पर जमील खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय राजपूत। कहाँ से आए हो? मैं किशनपुरा से आ रहा हूँ। यहाँ पे गेहूँ क्यों पटका है आप लोगों ने? गेहूँ इसलिए पटका है कि ये जो गेहूँ है ना, ये जो रकबा नंबर है, सब पूरा खसरा नंबर है, जमीन हमारी है, हमारे भैया की जमीन है, इनके साथ उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक ने अप्लाई किया। उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक ने अपनी लीज के नाम से पंजीयन दर्ज कर दिया हमारी जमीन। और हमारा गेहूँ यहाँ नहीं पड़ा रहेगा, कहाँ पड़ा रहेगा? तो हमें सरकारी रेट पे बेचना तो वहाँ, लेकिन वहाँ और पंजीयन हुआ ही नहीं है। उन लोगों ने संबंध में कभी शिकायत की है? शिकायत की है, हमारे पास सभी पावती है। ठीक है, शिकायत करने के बाद करते हुए मेरे से अभी 4 दिन पहले ही बोला था कि भैया इसमें चल रही है जांच, लेकर फाइल है सब दबा रखी है। अब मुझे नहीं पता कि इस पे हो क्या रहा है, अब इस पर कृपया करके न्याय करिए आप लोग। तो अभी आप लोगों ने गेहूं यहाँ पे गिराया है, तो अधिकारियों से मिले हैं क्या? आश्वासन मिला? अभी SDM आए, ADM आए हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि इस गेहूं को उठाइए, शिकायत दर्ज हो गई है और FIR कट रही है। अब FIR का मुझे पता तो चल जाए कि उसके खिलाफ FIR हुई है कि नहीं हुई है। वो धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है धमकी? वो आयुब खान धमकी दे रहा है। क्या धमकी देता है? देता है कि मतलब तुम उखाड़ दो, तुमको क्या उखाड़ना है, और हमारा जिले में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उनको मैं बता देता हूँ, हम भी जात के लोधी हैं, रोटी की टेक तो लोधी, रोटी मांगे एक, अपनी बात पे अड़े रहे, चाहे मर जाए, कट जाए, कछु हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो प्रशासन जिसको जो करना है कर ले, हम तो प्रशासन पर कितने लोग आए हैं, हमें प्रशासन पर विश्वास है कि हो सकता है हमारे साथ न्याय हो। आपके साथ लगभग कितने लोग आए हैं, कितने ट्रैक्टर लेकर आए आप यहाँ? हमारे साथ ट्रैक्टर कम से कम 10 ट्रैक्टर हैं, बाहर रखे हैं, कुछ ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, इस संबंध में सुना है कुछ कांग्रेस पूर्व नेताओं से भी आप लोगों की बात हुई है? नहीं, मेरी बात कांग्रेसी नेताओं से नहीं हुई है। कोई आ जाए यहाँ आके कोई बात करे तो वो देखो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीड़ा देखी है। BJP के नेता मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं खुद एक पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं एक से वो हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पहले मैं किसान हूँ, मेरा एक घर का मैटर है, मैं खुद भटक रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सर, मैं चाहूँगा आज जो किसान अनाज लेके आए थे सर यहाँ पर, उनका कहना रहा कि समिति प्रबंधक ने उनसे फोर्जरी करके किसी और के नाम से अनाज भी डलवाया है, क्या कहना? ये पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका विधिवत तहसीलदार एवं वादी अधिकारी द्वारा जांच की जाके संबंधित दोषी कर्मचारी के लिए लंबित भी किया जा चुका है और उसके खिलाफ FIR करने की कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार जो कार्रवाई सारी की जा रही है। सर, एक्चुअल मामला था कहाँ, कौन सी ब्लॉक का था ये? जतारा ब्लॉक का है, वहाँ पे एक मौची करके कोई गाँव है, वहाँ के लोग मचौरा। तो सर, ये जानकारी किसने की? शांति प्रबंधक ने दी किसने की थी? ये समिति सेवक के नाम पर पंजीयन के समय की गलती आ रही है, तो कोई आयुष खान करते हुए ऐसा नाम आ रहा है, कोई विधिवत कार्रवाई नहीं कर रहा। किसान हमारे साथ खड़े हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अपनी टोली से अपना गेहूं डाल दिया है, प्रशासन से भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। जरा बात करा चलो हम तो
लगा लगा सही लगा आईडी।